शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे केसरिया वालों आओ हमारे देश केसरिया वालों आओ हमारे देश। वो गोरे का फिर से फोन आया था, चार बाग वाली हवेली देखना चाहते हैं, तुम ले जाना। भाई साहब आज तो वो मोमल के रिश्ते की कुंडली लेके। ओ हो, मैंने तो याद ही नहीं रहा, दीप का भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा मौका आया है, वो गोरे चार बाग वाली हवेली को होटल बनाना चाहते हैं, कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है, पर ये गोरे वक्त के बड़े पाबंद हो गए। अगर आज कहा है तो आज ही जाकर दिखाना होगा। भाई साहब रणवीर को भेज देते हैं, वो सब संभाल लेगा ना। कहाँ है भाई साहब, रणवीर की एक गलती के कारण कि आपका उसके ऊपर से विश्वास ही उठ गया। मने रणवीर की काबिलियत पर कोई शक ना है मेक, पर एक बार जिसे बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए वो दोबारा भी ऐसा कर सके है, बस यही बात मारे मन को काटे। भाई साहब रणवीर इतना भी नहीं बदला है, मारे को लगता है कि उसे एक मौका और देना चाहिए। आगे आप जैसा ठीक समझे। ठीक है, पर रणवीर अकेला नहीं जाएगा, सुमेर सा भी उसके साथ जाएगा। आज रुक्मी की सगाई होने जा रही है ना, इसलिए सोचता हूं कि ये हार रुक्मी को आज ही दे दूं। रुक्मी को ये हार देने की क्या जरूरत है? लड़के वालों ने तो हमसे कोई मांग ना की, वो तो सिर्फ लड़की चाहते हैं, तो ये हार रुक्मी पे जाया करके कौन सी इज्जत बढ़ाने वाले हैं आप? देख, ये हार रुक्मी का है, उसकी माँ की आखिरी निशानी है। रुक्मी की माँ ने यह हार रुक्मी के ब्याह के लिए रखा था, लेकिन तब की बात कुछ और थी। आज इस हार की जरूरत रुक्मी से ज्यादा रसाल को है। विक्रम का खानदान बड़ा है, उनके घर में रसाल को खाली हाथ भेजेंगे तो बेचारी को जन्म भर ताने सुनने पड़ेंगे। अरे नीचा दिखाएंगे सब लोग उसे कि बाप के घर से दहेज तो दू एक हार तक ना ला सकी। अरे पर रसाल के घर वालों ने भी तो कोई मांग नहीं की है ना, वो तो सिर्फ लड़की ब्याह के लिए जाना चाहते हैं। यार रुक्मी का है और ये रुक्मी को ही मिलेगा। अरे मैं मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अरे को तो सिर्फ रुक्मी दिखे है, जैसे वो छोरी थारी अकेली की है। और थारे को हमेशा रसाल ही दिखे है, जैसे वो छोरी थारी अकेली की है। हाँ रसाल मारी छोरी है और रुक्मी सुते नहीं। ना जाने बूढ़े के साथ ये हार पहन के कहाँ भटकने वाली है वो छोरी। जीजी अब और कितनी लोइयां बनाऊं, मारे हाथ दुख गए हो। बस अब थोड़ी रह गई। जीजी मंकू के घर पे तो जब उसकी जीजी का ब्याह हुआ था तब तो खाना बनाने वाले आए थे, हमारे घर में क्यों नहीं आए? कहीं की महारानी लागी है थारी जीजी, जो इसके ब्याह में राजा रजवाड़ों के घर से खाना बनाने वाले आए। अरे सगाई तो हुई है, कौन सा ब्याह हो गया है?
काम करने से कोई मेहंदी खिस तो ना जाएगी। जीजी रण तो आप जाओ तैयारी करो। कोई जरूरत ना है, इसे भी करने दे, लड़के वाले आने में काफी देर है। माँ अब तन्ने की तकलीफ है। मैंने गांव में कितने ब्याह देखे हैं, लेकिन मैंने रुक्मी जीजी जितना इतना बूढ़ा दूल्हा कभी नहीं देखा। बूढ़े लोगों का भी ब्याह होता है के? अरे बावला हो गया के? चल जा जा अपनी गुड़ेल लेके, या छोरियों के बीच बैठे बैठे दुनिया भर की बात करने की जरूरत है? चल जा। अरे चलो जल्दी जल्दी काम करो, वरना सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, मेरे को दोष जमाने का मौका ही नहीं दे रहा। Come, please, please. Oh, you see this? Yeah. Isn't this amazing? Yeah, this is beautiful. Beautiful. See. And see this. This inlay work here, this is as old as the Haveli itself. Which means this is 300 years old. In fact, yahan sab kuch 300 saal purana. So all the things in the Haveli are more than 300 years old antiques. Yes, of course. Everything. Ye paintings, ye furniture, the chumar, everything. Sab kuch. Yahan tak ki memories. Are ho sakta hai ki is Haveli mein kahin na kahin wo purane bahikate mil jaye. मामा साहब आप इन्हें हवेली दिखाइए, मैं बस अभी आता हूं। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक इन अ बिट। जरूर उस मदन सिंह की छोरी से मिलने गया है, आज तो घर पर जमकर आतिशबाजी होगी। ऐसी चुगड़ी लगाऊंगा कि भंवर चीजों सा रणवीर को नहीं छोड़ेगा। खमागणी हुकुम। एक बात बताओ, इस हवेली के पुराने बहखाते कहाँ रखे? मने तो पता नहीं हुकुम, पर हो सके पुरानी कोठरी में होंगे। मुझे वहां लेके चल। आओ हुकुम। मैंने थारे से पहले ही कहा था कि एक बार बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए तो दोबारा कोई गलतियां करने से नहीं चूकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो चीजो साहब, आपने रणवीर को वहां हवेली में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप कर भेजा था और उसे तो परवाह ही नहीं। अंग्रेजों से बात करते करते ऐसे भागा जैसे कोई बात याद आ गई हो। अरे और क्या, वही मदन सिंह की छोरी की याद आ गई होगी तो भागा अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर उसके पल्लू से बंदे। ताया सा, मारे को गर्व था अपनी औलाद पे, गर्व था अपनी परवरिश पर, विश्वास था कि मारा बेटा मारी बात कभी टालेगा नहीं। और आज थारी वजह से अपने घर वालों के सामने मारा सर नीचा हो गया। पापा अगर मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कम से कम आप लोग एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। अपने मुंह पे कालक पुतने के बाद भी थारे पास कुछ रह गया कहने के लिए? मैं समझ सकता हूं ताया, अब आपको और पापा को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन ये डायरी जो मैं अपने साथ लेकर आया, इस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। ताएसा, इसमें साफ साफ लिखा है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह यानी कि दादू साह ने यह जमीन का टुकड़ा मदन सिंह जी के पिता ठाकुर हरि सिंह को भेंट किया था।
शाबाश रणवीर, आज तुम्हारी नजर में फिर से वही रणवीर हो गए हो जिस पर मुझे विश्वास था, जिसे खानदान की इज्जत का लिहाज था। बेटा आज तुम जीत गए और मैं हार गया। ताहिसा, अब तो वो जमीन का केस आप वापस ले लेंगे? अब तो उस जमीन पर मदन सिंह के सिवा कोई दूसरा हक जता ही नहीं सकता। बेटा, तुझे मदन सिंह की छुरी भावे? ताहिसा, मैंने जो भी कुछ किया वो मदन सिंह जी को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए किया। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। अब मैं भी वही करूंगा जो सही है। ओम पवित्र पवित्र सर्वा अवस्थांग तो या स्मृत कुंडली का जवाद्यांतरस्ती ओम पुरवाद कुंडली का आचमन कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वमंगल मंगल थारी जीजी थारी को रोज रोज परेशान ना करेगी। ऐसा ना कहो जीजी, थारी वजह से ना जो हो रहा है वो हमारा फैसला है। जीजी, आपको बाहर पंडित जी बुला रहे हैं। विराजो बेटी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। जजमान, दूल्हे को शगुन दीजिए ताकि ब्याह पक्का हो जाए। ओम आगर्थायु संप्रितो आगर्था प्रतिपत्तये जगदंत्रो वंदे पार्वती वरुणे। फेरो मारी समझ में आ रही है कि मारी मदद करने की आड़ में असल में तुम किससे वफादारी निभा रहे। निकल जा हमारे घर से और दोबारा कभी भूल के भी यहाँ आने की जरूरत ना करना। खबरदार मदन सिंह, हमारे बेटे रणवीर से इस तरह से बात करने की हिम्मत पूरे रियासत में किसी की ना है। तब तो धोखेबाजी और जालसाजी थारे खून में ही है। मदन सिंह, पहले हमारी मदद के लिए इस धोखेबाज को भेज दिया और अब मौका पाकर के अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद आ गया ठाकुर। राजपूत बदला लेने के लिए इस तरह छुपे बैठकर मौका नहीं ढूंढते, सीधा वार करते। और जिसे तुम बार बार धोखेबाज कह रहे हो उसने सचमुच तुम्हारी मदद करनी चाहिए।
और इसी की सच्चाई मारे को थारे दरवाजे पर ले आई है। जी आज तुम्हारे दरवाजे पे आई गए हो तो एक बात सुन लो ठाकुर, आज मारी छोरी की सगाई है। आज तक थारी वजह से मारा जो भी नुकसान हुआ मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज मारी छोरी के जीवन में अगर कोई विपदा थारे कारण आई तो लियाज के सारे बंधन टूट जाएंगे और चेत मेहमान बनकर के मारी छोरी की सगाई में शामिल होगा तो थारा स्वागत किया जाए। बिन बुलाए मेहमान बनने की हमें आदत कतई ना है। थारी जमीन थारे को लौटाने आए, इस जमीन पर सिर्फ थारा हक है और ये भाई खाता उसका सबूत है। मारे बेटे रणवीर ने थारे को दिया हुआ वचन आज पूरा कर दिया, पर इस जमीन के बदले मारे को थारे से कुछ मांगना है। हाँ, अब आया ना मुद्दे की बात पर। अरे लेने देने के सिवाय थारे को कोई भाषा समझ में ना आवे मैं जानू तने के चाहे। अरे हमारा सब कुछ तो इस जमीन के कारण और थारे कारण दाव पे लग गया है, फिर भी थारी भूख खत्म ना हुई। ठाकुर मदन सिंह, मैं मारे लिए कुछ मांगने नहीं आया, मैं अपने भतीजे रणवीर के लिए थारी बेटी का हाथ मांगने आया। ये चिंता मत करो, आपने आने में देर कर दी ठाकुर, जमीन के बदले में बेटी का सौदा मने मंजूर नहीं, हमारी बेटी का ब्याह तय हो चुका है। मदन सिंह इस रिश्ते को सौदा ना समझो। मारा रणवीर थारी बेटी से प्रेम करे है और थारी बेटी भी। यकीन ना हो तो अपनी बेटी से पूछ लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेरा प्यार मेरी छोरी में डाल दीजिए। मैं वचन देता हूं जिंदगी भर आपकी बेटी रुक्मिणी को सुखी रखूंगा। जमीन के एक टुकड़े के सामने तारी जवान की कोई कीमत नहीं है, ये ब्याह मैं होने नहीं दूंगा, पंचायत में शिकायत करूंगा मैं। हाँ, अरे हवेली वाले ठाकुर हुए तो क्या हुआ, अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। चलो सब। चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे।